सतीश कुमार सतीश जी हस्बैंड थे। अच्छा, जब आप लोग यहाँ पहुंचे गेट पे तो क्या हुआ था, पूरा क्या घटनाक्रम था उसको बता दीजिए। हम 2:30 बजे से सबको बता ही रहे। हम जब राजा जी पुरम से निकले तो एक्चुअली बहुत रात हो गई, तो बेटी ने मुझसे कहा मम्मा नींद आ रही, तो वो मेरी गोदी में सो गई थी और मुझे हल्का फीवर था, तो फिर मैं भी चलते चलते गाड़ी सो गई पीछे वाली सीट पे, और उन्होंने एक दो जगह शायद गाड़ी रोकी थी मसाला पान मसाला लेने के लिए, और फिर उसके बाद आधे घंटा लगा होगा शायद घर पहुंचने में, फिर हमें पता नहीं चला, हम और बाकी मतलब बच्चे सो गए थे। फिर उसके बाद वो उतरे होंगे गाड़ी से, ताला खोल रहे होंगे, उसी वक्त ही आवाज आई, और आवाज आई तो नींद खुली मेरी, और फिर उसके बाद एकदम से आ करके हमने ऐसे आगे देखा तो गिर गए थे जमीन पे। आपने शोर मचाया? बहुत शोर मचाया, गाड़ी में ही शोर मचाना शुरू कर दिया, तो एक आदमी भागा ऐसे करके, जैसे मैंने ऐसे देखा पीछे देखा तो कोई नहीं था। कितनी आवाज सुनी थी आपने गोलियों की? हमने एक ही आवाज सुनी थी। कोई पुराना झगड़ा या कोई पुरानी दुश्मनी? मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, मुझे पुराना कोई झगड़ा नहीं था। या कभी उन्होंने बताया हो किसी से झगड़ा हो या जमीनी? एक्चुअली मुझसे कुछ बताते नहीं थे, लेकिन कुछ मैटर के चक्कर में ये है कि कुछ केसेस हुए हैं जिसके वजह से। किस तरह के केसेस हो सकते हैं? विभागीय या पारिवारिक? पारिवारिक नहीं कहा जा सकता उसको, और विभागीय वाला भी नहीं कहा जा सकता। क्या जमीन जायदाद से रिलेटेड किसी दूसरे से रहा हो? एक्चुअली वो किसी लड़की को एक बार घर लेके आए थे जो कि वेश्यावृत्ति की थी, उसको मेरी बच्ची ने घर में लाते हुए देखा, और मैंने उसने मुझे बताया तो मैंने उसको पकड़ा, तो ये घर वालों ने सबने मुंह बंद कर दिया कि बताना नहीं किसी को, तो इस तरह की घटनाएं कई सारी हुई थी, तो कहीं ना कहीं करीब जनवरी में हुई थी, तो हमें ये अनुमान था कि क्या कहते हैं कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ गलत काम कर रहे हैं ये, और वो लड़कियां शायद श्रृंगार नगर वाले मकान में रहती है, और मैं पहचान सकती हूँ क्योंकि मैंने पकड़ा था उसको, वो भगा दिया और उसके पीछे ये दीवार तक वो फान के उस लड़की के पीछे भागे थे। श्रृंगार नगर वाला मकान किसका है? यही पापा जी का है। तो वहाँ वो रेंट पे रहते हैं कि? रेंट पे रहते हैं वो लोग, और अगर और इन लोगों ने मुझे कभी उस मकान में जाने नहीं दिया हमेशा। घटना के दिन आप लोग इलाहाबाद से लौटे थे? हम मेरी बच्ची लखनऊ में ही DPS सर्टिफिकेट में पढ़ती है, तो हम इलाहाबाद कभी गए नहीं। अच्छा। हम नहीं गए कभी इलाहाबाद। राजा जी पुरम में हमारी जो नंद है उनकी नंद रहती है, मतलब जी दीपावली मिलने गए थे हम लोग।